गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड बच्चे मॉर्निंग लोग। सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम आई डन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एज पर विच वी हैव सीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वी ए पी इक्वल टू पी जी इंटू एल वन, याद है? और वी कैन से ई वन इक्वल टू पी जी इंटू एल वन। पी जी का फुल फॉर्म क्या था? ई टू इक्वल पी जी इंटू एल टू एंड सो ऑन। पी जी का मतलब क्या था? एनीबडी रिमेंबर्स? पी जी का मतलब था पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक बार खाली मैं बता देता हूं, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर किया था। After principle of potentiometer, we were doing E1 upon E2 by substitution method. और उसके पे सर्किट एक बार फिर से बताता हूँ। Consider a potentiometer wire AB connected to a driver cell of EMF E, key K and the rheostat RH. And the rheostat RH. उसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई वन, जो दो सेल दी थी ना, एक कोनन को दी थी और एक मैंने शायद इसको दी थी रोशनी को। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई वन इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ जॉकी थ्रू अ सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। देन जॉकी स्टेप्ड एट द टू एंड्स ऑफ द वायर, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर आर चेक, इट मस्ट गिव एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ जीरो, इफ नॉट एडजस्ट द, क्या एडजस्ट व्हाट? Adjust the rheostat. Now jockey is kept at different points on the wire. Took different points. करते हुए point even पे आते हैं. For which galvanometer gives zero deflection. इसके बाकी line बहुत important है. Since no current मैंने आपको बताया था. अगर P1 is more than P2, तो current flows from P1 to P2. If P2 is more than P1, current will flow from P2 to P1. But P1 and P2 are at the same potential, that means the potential difference is your current won't flow. So, yahan pe there is no current flowing. So, potential difference between these two points, which is E1, is completely balanced by potential difference from A to P1, which is VAP1. And therefore, we can say E1 equal to VAP1. This is very important line. Huh? Since no current flows through galvanometer, the potential difference between the two cells, terminals of cell, is balanced by fall of potential from A to P1. But by principle of potentiometer, VA P1 equal to PG into L1. And therefore, E1 equal to PG into L1. Equation number one. इक्वेशन नंबर वन। लेकिन हमको चाहिए क्या बेटा? व्हाट वी वांट ओनली इवन और वी वांट समथिंग एल्स? व्हाट वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट फॉर? व्हाट? एनीबडी यू कैन टेल मी एक्सपेरिमेंट किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? टू डिटरमाइन व्हाट? उष्णा, उष्णा यस सर, हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से? हम लोग क्या चाहते हैं? व्हाट वी वांट? सर, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग अ पोटेंशियल। मतलब व्हाट अपॉन व्हाट? दैट मींस इवन अपॉन ई2। मतलब ई2 तो अभी तक पिक्चर में ही नहीं है, तो हम लोग ई2 को उठा के लाते हैं। रोशनी को बोलते हैं कि रोशनी तुम्हारी सेल लेके आओ। रोशनी लेके आती है सेल, ई1 को हटाती है और उसके बदले ई2 को लगाती है। उसको हम लोग इस डायग्राम में बताने के लिए, मेरा मेथड ऐसा है कि यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड और यहाँ तक इसको हटाया, इसको लगाया, दैट मींस दिस इज E2। यहाँ पे वापस से इसे ले गए। नाउ वी फाइंड द बैलेंस पॉइंट P2। लेट द बैलेंसिंग लेंथ बी L2। आर यू फॉलोइंग? मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को ऐसे दिखा देना, E1 और E2 को डॉटेड डॉटेड, यानी कि E1 को हटाया, E2 को लगाया और बैलेंस पॉइंट P2 मिला,
let the balancing length be L2. Let the balancing length be L2. Therefore, by similar consideration, what can I write, Bala? What can I write? Anyone on your own can tell me. Even if E into L1, so what will I write for E2? Anyone? Ushna? For E2, PG into L2? Yes. Equation number two. Anybody, Jitu, can you tell me what will I do next? Dimag laga ke bol sakte ho? Isse abhi agla step to yehi hai aapka. Jitu, koi bhi hai, anyone? Afif, are you there, Afif? Yes, sir. How is your health? Yes, sir, I'm fine. Okay, what should I do next step? Is it E1 upon 1 divided by 2? We'll get E1 upon E2 equal to L1 upon L2. Khalas. Dekho, dhyan rakhna khali. Because E1 is more than E2, isliye L1 has to be more than L2. L2 ko is side rakhna, L2 ko us side mat rakh dena. Ek bar fir se. Diagram. Question is, compare the EMF of two cells using potentiometer by using substitution method. So consider a potentiometer wire AB connected to a driver cell of EMF E, a TK, and a rheostat R. Positive terminal E1 is connected to point A. Its negative terminal is connected to a jockey through a center zero galvanometer. Jockey is capped at two ends of the wire. Deflection in the galvanometer are checked. It must give extreme deflection on both sides. If not, adjust the rheostat. Now, jockey is kept at different points in the wire till the null point P1 is obtained, for which galvanometer gives zero deflection. Since no current flows through galvanometer, therefore EMF E1, yahan pe EMF E1 is completely balanced by potential difference between A to P1, and therefore E1 equal to VA P1. But by principle of potentiometer, VA P1 is PG into L1. But E1 and VAP are therefore E1 equal to PG into L1. Equation number one. Now we replace the cell E1 by E2. We have substitute E1 by E2. Find the balance point P2. Let the balancing length be L2. And therefore E2 equals PG into L2. Equation number two. Divide 1 by 2. We get E1 by E2 is L1 by L2. ये मैंने देखो आगे का आज फोटो भेज दिया है. Last time कुछ लोगों ने भेजा था मेरे को homework. बाकी बहुत लोगों ने नहीं भेजा था. I am really not happy with the students who are not trying to do the work. For example, Prisha Shetty ne bheja hi nahi. Bahut logon ne nahi bheja. Which is not a good sign. You have to work along with me. Khali mere kaam karne se result nahi aayega. Ek bar go through kar lo. Maine dekho aaj ye bheja hai. Usme likha hai khali ek bar pat 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 go through kar lo. Fir agla part karte hain hum log. हाँ एक बार गो थ्रू किया सभी ने. कॉपी नहीं करना है, गो थ्रू करना है. एवरीबडी हैज टू गो थ्रू.
are those students absent? Vidhi, are you there? Vidhi Bhatt? So I'm there. Vidhi Bhatt? Yes, good. तुम क्या वी एकदम इसे पार्टिसिपेंट में सामने दिखते नहीं हो? चलो हो गया. अस्का, अस्का आर यू देयर? यस नो? अस्का, अस्का है ही नहीं, मतलब यहां पे खाली इस पे आ गई है. भार्गेश, यस नो, आर यू देयर? नहीं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको बोलना है. माइक इज नॉट वर्किंग. अरे ऐसे कैसे होता है, माइक नॉट वर्किंग, वीडियो वर्किंग, हाउ इज दैट पॉसिबल? इम्पॉसिबल. क्या पता ये क्या है. भार्गेश, आर यू देयर? भार्गेश लोग बोलते हैं चुप ही रहने का, सर का बाद में कुछ भी आएगा, उससे अच्छा बेटर टू कीप क्वाइट. भार्गेश, कोनन कुरेशी, कोनन, ओ कोनन कुरेशी, माय गॉड, यस सर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? बीच बीच में ऐसे फॉर्मूले पूछने चालू करूंगा तभी तुम लोग. कोनन, ओ कोनन, ढूंढ रही है, धड़ धड़ धड़, किधर है किधर है. उसके तो मस्त आइडिया है, देयर इज नो माइक वर्किंग. चलो ठीक है, अभी है ना, we are going to do the same thing even upon E2. वापस से मैंने इसको दिया, किसको? कोनन को बोला भारी वाली E1 और हल्की वाली दी E2 रोशनी को, और बोला अगेन E1 by E2 निकालो, लेकिन not by substitution method, by sum and difference method, by sum and difference method, addition and subtraction method. मैं आपको बताता हूँ what is addition and what is subtraction. पहले तो ये समझ लो, अगर ये सेल इवन ऐसे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव अदर सेल, देन इन दिस कॉम्बिनेशन देन इट इज नथिंग बट इवन प्लस E2. इधर होगा नेट ईएमएफ इवन प्लस E2. लेकिन अगर ये बड़ी वाली सेल भारी वाली ऐसी E1, लेकिन अगर इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देवे हम लोग, ऐसे कर देवे, तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, टोटल भी नेट ईएमएफ विल बिकम E1 माइनस E2. इसको बोलेंगे सम, और इसको बोलेंगे डिफरेंस. यहां पे खाली इतना ध्यान रखना, जो इवन है ना, कोनन की सेल इज पावरफुल देन द रोशनी की सेल, बट ये अपना मेन ड्राइवर सेल है, ड्राइवर सेल उष्णा की है. ई इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करो तो भी उष्णा की सेल इज मच मच स्ट्रॉन्गर. ई इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2, ऑलराइट? तो उसने के हाथ में पूरा कंट्रोल है. तो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली कोनन एंड रोशनी आर डूइंग टू गिव द आंसर टू उष्णा. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. इसमें क्या करते हैं, इनिशियली सेम, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर एबी, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर एबी कनेक्टेड टू एबी कनेक्टेड टू ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ ई की के एंड अ रियोस्टेट आर. अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, व्हाइल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 इज कनेक्टेड टू अ जॉकी
through a center zero galvanometer. So that यहाँ पे क्या होगा even plus C2 या even minus C2 आलोक गुप्ता मार्च शेख ऋषा शेट्टी ये क्या होगा sir even plus C2 that's lovely even plus C2 now we tap the jockey at the two ends of the wire Deflection in the galvanometer check. It must give extreme deflection on both sides of zero. If not, adjust whom? Rheostat. That's very good. Adjust the rheostat. Now jockey is kept at different points on the wire. Tuk 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 करते हुए अलग अलग point पे till the null point P1 is obtained for which galvanometer gives zero deflection. अब मुझे कौन बताएगा एक बार? Since no current flows through galvanometer, therefore, how much is EMF here? Anyone? What is the EMF here? What is the EMF in this? Net EMF kitna hoga in this case? Aska? Achha, uska to. Vaishnavi, what will be net EMF here? So is it zero? It will be even plus E2. Net EMF will be even plus E2. Bata na yahan pe. It is completely balanced by the fall of potential from A to P1. And therefore, even plus E2 is VA P1. But VA P1 is PG into L1 by principle of potentiometer. And therefore, even plus E2 is PG into L1. Equation number one. Now, what we do is we change the polarity of EMF of lower cell. Even or E2 mein lower cell kiska hai? Lower value cell. E1 ka hai ki E2 ka hai? Jiski value kam hai wo? E2. E2. So E2 ki polarity reverse kar dete. Kyun? Aise. Matlab positive negative ko interchange karte. Anybody can tell me what will be net EMF now? अभी नेट ईएमएफ कितना होगा E1 माइनस E2 दैट्स लवली आंसर एंड वी फाइंड द बैलेंस पॉइंट P2 रिमेंबर L1 विल बी मोर देन L2 बिकॉज़ E1 प्लस E2 इज ग्रेटर देन E1 माइनस E2 ऑलराइट फाइंड द बैलेंस पॉइंट P2 लेट द बैलेंसिंग लेंथ बी L2 एंड देयरफॉर बाय सिमिलर कंसीडरेशन एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द राइट आइडिया इधर क्या लिखूं Anyone who can say you write this, sir, write that, sir. E1 minus E2. E1 minus E2 is PG into L2. That's very good answer by Vaishnavi. Equation number two. Then divide 1 by 2. Divide 1 by 2. And we get E1 plus E2. Upon E1 minus E2, L1 plus L2, L1 upon L2. Simplifying. Or koi likh sakta hai applying component to dividend. We'll get E1 upon E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus. Given upon E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. And this way we can determine even by E2 by sum, either going sum a plus and difference and difference method. Sum and difference method. एक बार फिर से आपके सामने entire procedure. All right. Consider a potentiometer wire AB connected to a driver cell of EMFP. A key K and a rheostat RH. Positive terminal of E1 is connected to point A. Negative terminal is connected to positive terminal of E2. And negative terminal of E2 is connected to a jockey through a center zero galvanometer. Jockey is tapped at the two ends of the wire and deflection in the galvanometer are checked. It must give extreme deflection on both sides of zero if not adjust the rheostat. Now jockey is tapped at different points on the wire till the null point P1 is obtained
for which galvanometer gives zero deflection. Since no current flows through galvanometer, the net EMF, how much? Anyone? Net EMF? E1 plus E2. That is right. E1 plus E2 is completely balanced by fall of potential from A to P1. And therefore, E1 plus E2 is VA P1. But by principle of potentiometer, VA P1 is PG into L1. Therefore, E1 plus E2 is PG into L1. Equation number one. Now we reverse the polarity of cell of lower EMF. Lower EMF kis ka hai? E1 ka hai ki E2 ka hai? Roshni? Roshni? E2 ka. E2 ki polarity reverse kar dete hai. We find the balance point P2, balance in L2. And therefore, by similar consideration, E1 minus E2 plus PG into L2, equation 2, divide 1 by 2, by simplifying, we get this. ये मैंने आज फोटो भेजा है आप लोग को गो थ्रू कर रहे हैं अब भी जस्ट नाउ जरा गो थ्रू करो जल्दी हाँ हो गया सभी ने गो थ्रू किया बेटा सभी ने गो थ्रू किया कृष्णा यस सर ओम मिस्त्री सभा की सबका माइक क्या तो स्लो है या बंद yes, है सर हाँ गुड टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट Ohm. And also binding energy of satellite at rest on the surface of the earth. Mike, kharab ho gaya, Ohm?
ओम अफीफ तो तबियत खराब. विधि विधि यस सर. कैन यू टेल मी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रेस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस. अभी है ना मैं एक सजेशन देता हूँ क्या करो मालूम है बेस्ट, क्योंकि मैं हर बार ये गड़बड़ करने वाला हूँ कि पूछूंगा. तुम लोग फॉर्मूला लिस्ट बना के तैयार रखो सर, कभी भी कुछ पूछेंगे तो देख के फट फट बोलो. इतना तो करो कम से कम, तुम्हारे हाथ में सब फॉर्मूले रहेंगे तैयार. सर कुछ भी पूछो तो ये देख के बोलो, मेरे को चलेगा देख के बोलो. विधि तुमको भी नहीं याद है? उष्णा उष्णा शेख सर डोंट वी गेट फॉर्मूला बुक समवेयर. फॉर्मूला बुक बनाओ ना खुद से हाथ से लिख के, सब रेडीमेड चाहिए तुमको. तुम्हारे हाथ से लिखा होगा तो तुमको खुद पता चलेगा किधर से देखना क्या देखना. पढ़ाया उसमें से ही पूछने वाला हूँ, बाहर से नहीं पूछने वाला हूँ मैं. रेडीमेड फॉर्मूला बुक खरीदा अंदर रखा खत्म. और पूछूंगा तो पता नहीं कहाँ है, देखो कहाँ पे दिया यार. यस सर अपने हाथ से लिखा होगा तो यू विल कम टू नो वेयर आई हैव रिटन व्हाट आई हैव रिटन. Okay. मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं, दैट इज रियली वेरी बैड वेरी बैड. पढ़ाने का मतलब क्या मालूम है, मतलब कोई भी पढ़ाओ, तुमको कुछ भी पढ़ाओ, कितना भी मेहनत करके पढ़ाओ, लास्ट में आने वाला तो है नहीं. मतलब तुमको टीचर्स की वैल्यू ही नहीं है तुम लोगों को. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन व्हाट वाज द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस. सिंपल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर. बस ये राइट आंसर है, लेकिन ये अभी तैयार रखो सब लोग. मेरे सब फॉर्मूले यानी जो चैप्टर लेटेस्ट है ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले, फिर ये फॉर्मूले, ये अपने हाथ से लिख लिख के तैयार करो, सो दैट यू विल कम टू नो कौन सा फॉर्मूला. जैसे मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं तो देख भी नहीं सकता हूँ तुम लोगों को. एक्चुअली वीडियो शुड बी कंपलसरी टू कीप ऑन. तुम लोग को देख भी नहीं सकता हूँ मैं, चलो उसका एडवांटेज लो, फॉर्मूला देके अपनी इंप्रेशन तो जमाओ. वो भी नहीं कर रहे हैं. रेडीमेड बुक कहाँ मिलती है मार्केट में? रेडीमेड बुक में 50 के 50 चैप्टर दिए, आप एक एक चैप्टर करते जाओ ना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ. कभी कोई फॉर्मूला पूछू मैं तो बोलने का सर आपने पढ़ाया ही नहीं है ये, देखो मेरे मैंने सब सारे फॉर्मूले लिखे हैं. क्या हाँ बुक बनाओ एक चैप्टर वाइज फॉर्मूले की, मतलब एक बुक उसमें चैप्टर वाइज फॉर्मूले और उसपे आगे कंटेंट बना लो. समझो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूछा तो पेज नंबर 12 पे है, जाके देखने का कौन सा फॉर्मूला चाहिए सर आपको बोलो. इनफेक्ट तुम लोग को चाहिए कि सर लोग आए बिना आवाज की, आवाज नहीं मांगता, चुपचाप पढ़ाओ और जाओ. डोंट ओपन योर माउथ एंड आस्क क्वेश्चंस टू अस, वी आर ऑलरेडी इन ट्रबल. ऐसा चाहिए तो मैं बंद करता हूँ क्वेश्चन पूछना. ऑल ऑफ यू वांट दैट? मस्त मीठे मीठी लाइन पढ़ा के चला जाऊंगा मैं. आई विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू वांट दैट? कोनन कोनन यस सर. ओके आई विल नॉट आस्क यू. ठीक है. अरे यस सर. You took my name, so I was telling yes sir यानी नहीं पूछने का ना कि पूछने का? नहीं नहीं सर पूछो पूछो. ओके लेकिन तुम लोग आंसर दो ना यार, प्लीज मेक अ बुक ना, सिंपल बात है. अभी 15 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद फॉर्मूला बनाना टफ होएगा तुम्हारे लिए भी. अभी एक एक चैप्टर का फॉर्मूला लिखते जाओ लिखते जाओ. चलो ग्रेविटेशन तो स्टार्ट करो, मैं उसके पहले के कोई नहीं पूछूंगा. ग्रेविटेशन ये वाला चैप्टर इसके सारे, इसमें तो ज्यादा फॉर्मूला ही नहीं है. Kirchhoff's voltage law and ये सब क्या है, कुछ नहीं है formula. चलो okay. Now to determine internal resistance of a cell using potentiometer. देखो एक cell है of EMF E1, उसका internal resistance आ रहा है, ये अपना main hero है. इस part का main hero ये है छोटा R, ये हमें determine करके दुनिया को दिखाना है. ऐसे दिखाते हैं ना cell के पास ऐसा छोटा सा, याद है ये, तो इसको determine कर रहा है. Using which meter? Using potentiometer. All right. सबसे पहले सर्किट क्या है वो समझ लो. सर्किट क्या है वो समझ लो. Remember in this case also P is greater than E1.
खाली सिंपल ध्यान रखना E is greater than E1. ये उष्णा की सेल और ये कोलन की सेल जैसे तो कंसीडर पोटेंशियल मीटर वायर EB कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ कॉन्स्टेंट EMF E a key K and a rheostat R H. Positive terminal of E1 whose internal resistance R छोटा R is to be determined is connected to point A. While its negative terminal is connected to a jockey through a center zero galvanometer. A known resistance R and a key K1 are connected in series. And this is connected across cell of EMF E1. इसको parallel में रखते हैं. Remember initially the key K1 is kept open. Anybody can tell me अगर key K1 open रखा तो यहाँ से current आएगा क्या? इसमें से करंट आएगा कि कुछ नहीं होगा इसमें अगर ये ठीक क्लोज नहीं करेंगे यहाँ पे बीच में गैप रख देंगे तो विल द करंट बी एबल टू फ्लो नो सर नो अबे ना बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये बात मेन चैप्टर की मेन ही है ये है सपोज दिस सेल अगर मैं सेल में से करंट विथड्रॉ नहीं करता हूं नो करंट यानी कि केवल ओपन देन पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल बी इक्वल टू ई1 अगर ओपन रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर ई1 होगा लेकिन अगर केवल क्लोज्ड देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वी व्हिच इज इक्वल टू आई इनटू आर potential difference will be I into R क्योंकि current भी start flowing then जैसे K1 close किया यहाँ पे current भी start flowing internal resistance will come into picture potential difference will become ER and not E1 और ये formula आप सभी को पता है I equal to E1 upon anybody can tell me what plus what Afif ने last time बताया था बड़ा R plus छोटा and V equal to I into capital R. ये ध्यान में रखना खाली एक बार फिर से बोलता हूँ अगर ये ओपन सर्किट में यानी कि K1 ओपन तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E1 अगर एक क्लोज सर्किट में यानी करंट स्टार्ट फ्लोइंग तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे जब इसको बंद करेंगे देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग तो इसको ध्यान में रखे लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कैसा है कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर एबी हाँ यहां तक हो गया था राइट नाउ अब मैं बताता हूं इलेक्ट्री केवल बी कैप्ट ओपन सो टर्मिनल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल बी टेल मी अगर ये ओपन है तो E1 लिखूं या V लिखूं क्या लिखूं potential difference across E1. The terminal E1 now tap the jockey at the two ends of the wire deflection in the galvanometer are checked it must give signal on both sides of zero if not adjust the rheostat now jockey tapped at different points on the wire till the null point E1 is obtained for which galvanometer gives zero deflection since no current flows through galvanometer therefore E1 is balanced by fall of potential from A to P1. क्योंकि अगर current flow नहीं हो रहा है मतलब इसके across E1 है और इसके across V है P1 है तो E1 equal to V है P1. But by principle of potentiometer V है P1 is PG into L1 and therefore we can say E1 equal to PG into L1. I hope that's clear. इसके बाद on your own can you tell me what I am going to do now? अब की बार क्या करना होगा इसके बाद? Anyone? Who can say now you will have to do this step, sir? Wrong बोलोगे तो भी चलेगा चलो कोई बात नहीं now close the key cable so let current starts flowing and terminal voltage across the terminal of the cell will be V यानी कि terminal voltage V which is IR find the balance point P2 let the balancing length be L2 therefore we can say terminal voltage V is completely balanced by fall of potential from A to P2.
Okay, but even balance nahi hota hai, we balance hota hai from A to P. But my principle of potentiometer, VA P2 equal to PG into L2. Okay. And therefore, but VA P2 is V. So V equal to PG into L2. Equation number two. Divide 1 by 2. Will give me what? E1 upon V equal to L1 upon L2. Equation number 3. Equation number 3. Tell me, all of you agree? But we know I equal to E1 upon R plus R. But we know I equal to E1 upon R plus R. ये फॉर्मूला हमको आपको 10th में भी पता 11th में भी मैंने कराया था एंड देयरफॉर इवन इक्वल टू आई इनटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा टेल मी ऑल ऑफ यू एग्री एंड व्हाट इज वी इक्वल टू क्या होगा बोलो जल्दी बोलो वी इक्वल टू व्हाट इनटू व्हाट वी इक्वल टू सर आई इनटू आर दैट इज राइट डिवाइडिंग व्हाट विल आई गेट Even upon V will be bada R plus chota R upon bada. Equation number 4. Equate 3 and 4. So, 4th equal to 3. And therefore, R plus chota R upon bada R equal to L1 upon L2. Alright? And therefore, can I say, what will I do now? Tell me. Therefore, can I say R plus chota R equal to bada R into L1 upon L2. Therefore, chota R will be bada R into L1 upon L2 minus bada R. And therefore, chota R will be bada R into L1 upon L2 minus 1. Ye ra answer aapke samne. कितना आसान है ये फॉर्मूला बहुत कभी कभी तो L1 L2 R की वैल्यू देते बोलते फाइन इंटरनल रिलेशन इतने इजी प्रॉब्लम आते हैं सिर्फ फॉर्मूला आया तो फटाक करके आंसर एक बार फिर से बताता हूँ हमारे पास समय की कमी है लेस देन वन मिनट मैं व्हाइट बोर्ड को छेड़छाड़ नहीं करता हूँ खाली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीबडी नाउ टेक अ बुक लॉन्ग बुक चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखो एक पेज लास्ट में और छोड़ दो चैप्टर खत्म होने के बाद जिससे बाद में कोई और फॉर्मूला ध्यान में आए तो यू कैन राइट और जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं और फर्स्ट इंडेक्स पेज बनाओ ये चैप्टर फ्रॉम दिस पेज नंबर टू दिस पेज नंबर ये चैप्टर फ्रॉम दिस पेज नंबर एंड यू नो जैसे ही पूछो फटाक करके मेरे को आंसर दो देख के बोलो चलेगा मेरे को देख के बोलो विल यू डू दैट हु विल डू सिंसियरली दिस टेल मी वन और टू स्टूडेंट्स टेक द नेम सर मैं कोनन और खाली कोने अकेली करेगी